दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सीए ऑनलाइन क्लासेस पे जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे, तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और ये आपका सीए ऑनलाइन क्लासेस है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं के बारे में। तो पहली योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना। तो इस योजना की शुरुआत 12 नवंबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्रदान करना है। और यह योजना इसलिए लागू की गई कि जो 2019 के बाद कोरोना वायरस COVID-19 आया, उसकी वजह से काफ़ी लोगों का रोज़गार चले गया। तो इस योजना में लोगों को रोज़गार देना और जो संस्थान लोगों को रोज़गार देंगे उनको सब्सिडी प्रदान करना है और उनका प्रोत्साहन करना है। आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से देश में रोज़गार बढ़ेंगे और इस योजना के माध्यम से कोरोना काल के चलते जिन लोगों का रोज़गार गया था उन्हें दोबारा आसानी से रोज़गार प्राप्त होगा। दूसरा है ऑपरेशन ग्रीन योजना। भारत सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना को संचालित किया। इस योजना के अंतर्गत फल सब्जियों की उचित मूल्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत आलू प्याज टमाटर के साथ साथ फल सब्जियों को भी शामिल किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत उद्यानिक की खेती करने वाले किसानों को नुकसान से बचाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। तीसरी योजना है हमारी मत्स्य संपदा योजना। इस योजना जो ये मत्स्य संपदा योजना है, ये सरकार द्वारा सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के आधार पर लॉन्च की गई है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मत्स्य संपदा योजना का आरंभ किया गया है। मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन और मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देना है। और इस योजना के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। विवाद से विश्वास योजना का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कर मामलों का समाधान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लिया जाएगा। विवाद से विश्वास योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उच्च मंच पर अपील की गई है। विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से अब तक 45,855 मामलों का समाधान किया गया है और इसके अंदर 72,780 करोड़ रुपए तक की राशि सरकार द्वारा हासिल की गई है। अगली योजना है पीएम वाणी योजना। तो इस जो पीएम वाणी योजना है, इस योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश में वाईफाई की क्रांति आएगी, जिससे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम वाणी योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे, जिनके माध्यम से वाईफाई सुविधा देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जाएगी। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। तो इस जो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का आरंभ 11 नवंबर 2020 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में दवा, ऑटो कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल सहित 10 अन्य प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विनिर्माण की बढ़ोतरी होगी तथा देश के आयात पर निर्भरता कम होगी। इस माध्यम से निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार ने 1,45,980 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत 30.8 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 34,035 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से सौर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य निजीकरण बिजली तंत्रों
भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फॉर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन कार्य करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये का लोन बांटा जाएगा, जिससे सहकारी समितियां स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी। आयुष्मान सहकारी योजना के माध्यम से सरकारी चिकित्सा क्षेत्र मजबूत होगा तथा इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए भी अनुमति प्रदान की जाएगी। स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के घर मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घर मालिकों के पास उनके संपत्ति के दस्तावेज होंगे और इस योजना को देश के प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत 6.62 लाख गाँव कवर किए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जो नागरिकों की संपत्ति का डेटा होगा वो डिजिटल किया जाएगा इसके अंतर्गत, और इससे जो संपत्ति संबंधी विवाद होंगे वो कम हो जाएंगे। पीएम हेल्थ, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड। तो इस हेल्थ आईडी कार्ड की शुरुआत 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई, और इस जब ये पीएम हेल्थ कार्ड बनेगा तो इसका ये फायदा होगा कि जो भी कोई व्यक्ति पीएम हेल्थ कार्ड धारक है तो उसके स्वास्थ्य संबंधी सारा डेटा उस हेल्थ कार्ड में सुरक्षित होगा, जिससे जो कागजी रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना वायरस जब फैला तो उसके बाद लॉन्च किया गया 30 जून 2020 को। इसके अंतर्गत 80 करोड़ नागरिकों को 5 किलो गेहूं या फिर चावल, दोनों में से एक चीज़ मुफ्त प्रदान की जाएगी, और इसको सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ाया। इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है। इस आवास योजना का लाभ निम्न वर्ग, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। जिनके पास कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए सरकार सहायता राशि प्रदान करेगी, और इसका लक्ष्य है कि 2022 तक सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। जितने लोग इस योजना के लिए मतलब इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं उपरोक्त कैटेगरी में, तो उन सभी को घर प्रदान करने की योजना है 2022 तक। तो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के, यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाएगी, और इसके इसका आप वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आयुष्मान भारत योजना। तो ये आयुष्मान भारत योजना नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए और लोग नागरिकों का स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए लॉन्च की गई थी। इसके तहत सरकार आयुष्मान कार्ड धारक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है, और ये गंभीर बीमारियों का इलाज निःशुल्क कराते हैं इस योजना के तहत, और इस योजना में 1350 सूचीबद्ध बीमारियों का इलाज कराया जाता है। तो इसका भी आप आयुष्मान भारत की वेबसाइट पे देख के बाकी जानकारियां ले सकते हैं। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। तो ये अटल पेंशन योजना है, जैसे कोई लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है, इससे 60 वर्ष तक की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग वो हैं, मंथली आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होगा, और जो आपका उसमें गवर्नमेंट भी जितना पैसा आप जमा करोगे उतनी सरकार भी जमा करेगी और उस पर ब्याज मिलेगा, और जब आप 60 साल के हो जाओगे तो उसके बाद उसको आपको मासिक रूप से पेंशन के रूप में प्राप्त होगा वो आपका पैसा। अगला है मातृवंदन योजना। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता 6,000 रुपये का प्रदान करती है, और यह आर्थिक सहायता योजना 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने तथा स्तन पान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, और इस योजना के बारे में भी आप वेबसाइट पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। केंद्र सरकार ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आरंभ किया, इसके अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा
नीति को तैयार किया गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GEI के साथ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न होगा, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी तथा 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है और इसके अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। अंत्योदय अन्न योजना, इस अन्न योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रति माह 35 किलो राशन प्राप्त दिया जाता है। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक फैसला लिया है कि देश के गरीब परिवारों के साथ साथ दिव्यांगों को भी इस योजना के अंतर्गत हर महीने 35 किलो अनाज, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और धान प्रति 3 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का कहना था कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवारों को राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होगा इसकी जवाबदेही सरकार पर होगी, मतलब इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का काम होगा, ऐसा रामविलास पासवान जी ने कहा था। स्वनिधि योजना, इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश में रेहड़ी और पटरी वाले जो छोटे सड़क विक्रेता हैं, जो रेहड़ी और पटरियों पे अपनी दुकानें लगाते हैं, को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए शुरू किया गया है। इस स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में रेहड़ी और पटरी वाले छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का तक का लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो किसान है वो अपनी फसल का बीमा करें और अगर माना किसी प्राकृतिक कारण से फसल बर्बाद हो जाती है तो उससे उनके सीधे अकाउंट में अंतर्गत किसान को पैसा दिया जाएगा फसल बीमा का, और इस योजना के लिए सरकार ने 8,800 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है और अगर महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहती हैं तो केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना के तहत 2020 में देश के गरीब एवं मध्यम वर्गीय महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। देश की जो महिलाएँ 5 लाख तक का लोन प्राप्त करना चाहती हैं वो प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डिटेल देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना, तो ये गरीब और श्रमिक महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त फ्री सिलाई मशीन दी गई, जिससे महिलाओं को घर बैठे खुद का रोजगार शुरू करने का मौका मिले। तो सिलाई मशीन स्कीम के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 18, 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। बालिका अनुदान योजना, इस योजना के अंतर्गत BPL परिवार की पहली 2 बच्चियों की शादी के लिए 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है और इसमें शर्त यह है कि बच्ची की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और ये BPL परिवार वो कंसीडर किए जाएंगे, वो माने जाएंगे जिनकी आय 15,000 रुपये से कम होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना को देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। तो इसके तहत 2 हेक्टेयर खेती भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और ये 2-2 हज़ार के रूप में 3 बार प्रत्येक 4 महीने में किस्त दी जाती है, डायरेक्ट खाते में हस्तांतरित होती है।
फ्री सोलर पैनल योजना। भारत सरकार ने इस योजना के जरिए देश के किसानों को खेती सिंचाई के लिए सोलर पैनल से चलने वाले पंप उपलब्ध कराने की योजना लागू की है। और इस योजना के तहत इस योजना से किसानों का जो बिजली का खर्च आता है वो खर्च कम हो जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। और अगर अपनी बिजली को बेचना चाहते हैं तो वो 6,000 रुपये तक का पा सकते हैं। कुसुम योजना के नाम से भी इस जो ये फ्री सोलर योजना है इसको कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान सोलर सिंचाई पंप स्थापित करेंगे और पेट्रोलियम ईंधन की लागत से बच सकेंगे। और आने वाले 10 साल की अवधि के लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है इसके लिए। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इस योजना के जरिए देश के युवाओं को 18 से 35 साल की उम्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य था। इस योजना को लाभार्थी खुद का रोजगार व्यवसाय शुरू भी कर सकता है, इसका आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी द्वारा आरंभ किए जाने पर रोजगार की कुल लागत 2 लाख रुपये तक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इस किसान मानधन योजना में किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे के लिए पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और इसके लिए लाभार्थी को 50% जो आपका प्रीमियम होता है जो आपको जमा करना होता है तो उसमें आधा आपको जमा करना है और आधा सरकार जमा करेगी। और ये आप किसी भी बैंक में जाके शुरू करवा सकते हैं। तो लाभार्थी आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।